सो हेलो फ्रेंड, तो आज फिर से एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि आज कबीरदास जयंती है। आप सभी देशवासियों को कबीरदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं, इस तरह से हमारे यहां पे हम लोग अभी मना रहे हैं और लोग जो भी यहां पे जो भी और सब हैं। तो आप सभी जो कि ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, माला अर्पण किया जाएगा, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। सो दोस्तों यहां देख सकते हैं बड़े पापा अभी माला अर्पण कर रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। आरती भी कीजिएगा, हाँ आरती कीजिए। सो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। हम लोग जो कि यहाँ पे लेकिन मनाते हैं दरवाजे पे, सो देख सकते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं बड़े अंकल जी भी होगा जो इस तरह से माला अर्पण कर रहे हैं कबीर साहब का। सो कुछ इस प्रकार। सो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार रामदेव अंकल जी इस तरह से माला अर्पण करते हुए, माननीय विकास मित्र हैं हमारे। थोड़ा यहाँ भी देखिए अंकल जी, तो चलिए इस तरह से। सो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं संतोष अंकल जी इस तरह से कबीर साहब का माला अर्पण करते हुए कुछ इस प्रकार। चलिए सो देख सकते हैं आरती करते हुए इस तरह से। चलिए गाइस ये देख सकते हैं छोटी हो गई इस तरह से माला अर्पण करते हुए किसी का। सो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। सो दोस्तों ये देख सकते हैं रोहित जी हो गए जो इस प्रकार माला अर्पण करते हुए, हालांकि ये वैष्णो में ही है लेकिन तभी चलिए ठीक है साकार समझिए। तो इस तरह से अच्छा, तो रोहित कुमार दास जी ठीक है ना साहेबंद की साहेब साहेब साहेब। सो यहाँ देख सकते हैं सत्यनारायण जी हो गए इस तरह से माला अर्पण करते हुए कबीर साहब का कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। आरती भी कर लीजिए। चलिए बहुत खूब। सो यहाँ देख सकते हैं चंदन जी हो गए जो कुछ इस प्रकार माला अर्पण करते हुए और आरती भी कर लीजिए। और यहाँ गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आरती करते हुए। सो यहाँ देख सकते हैं ये हो गए दिल खुश जो ये कुछ इस प्रकार माला अर्पण करते हुए और आरती भी कर लीजिए। आरती कीजिए अभिषेक जी। दुर्गानंद दास अब माला अर्पण करने के लिए शुरू हो गया है और ये देख रहे हैं भैया मेरे माला अर्पण कर रहे हैं और आरती भी होना भी चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं ये मेरे भैया आरती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से भैया मेरा आरती कर रहे हैं। सो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। इसका नेम क्या है बाबू? ये हो गया सुजीत जो इस प्रकार प्रणाम करते हुए आरती भी करते हुए चलिए इस तरह से देख सकते हैं। ये हो गए अंकुश राज। सो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं जी जी अंकुश राज उर्फ भुल्ला, हाँ भुल्ला इन्हीं को बोलते हैं। सो कुछ इस प्रकार अरे हैं। सो दोस्तों ये देख सकते हैं पुष्पा राज जो इनका रियल नेम है दीपक, लेकिन इनको
सब लोग बोलते हैं पुष्पा राज, बच्चे लोग बोलते हैं इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं। तो दीपक कुमार दास, सो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आरती करते हुए। सो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बाहुबली, जो इनका नेम है, क्या इनका नेम है, विजय कुमार दास। सो कुछ इस प्रकार, सो ये देख सकते हैं तुलसी कुमारी हो गई, ये देख सकते हैं छोटी बहन, जो कुछ इस प्रकार माला अर्पण करते हुए। सो देख सकते हैं गाइस, चलिए चलिए, बहुत खूब बहुत खूब। सो कुछ इस प्रकार यहाँ देख सकते, भीड़ जुटा हुआ है सब लोग यहाँ पे, अभी माला अर्पण सब लोग अभी यहाँ पे किए हैं। यहाँ देख सकते हैं रोहित जी को हो गए, यहाँ पे हो गए, मेरे अंकल जी पीछे हैं। तो इस तरह से तो ये देख सकते थोड़ा करीब से, मैं रामदेव राम विकास मित्र ग्राम पंचायत राज कन्हे से हूँ। तो आज महान संत गुरु कबीरदास जी का जयंती है। इनका जन्म 1398 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु 1518 ईस्वी को हुआ। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्ग उप शाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई है। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हरि प्रसाद त्रिवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ज्ञात नहीं है। एक मान्यता और कबीर सागर के अनुसार उनका शारीरिक अवतरण सन 1398 सावंत 1455 में श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नेहरू नीमा नामक दंपति उठा ले गए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रगट दिवस के रूप में मनाते हैं। वो जुल्हे का काम करके निर्वाह करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटी से गुजरना पड़ा। कबीर सागर में वर्णन आता है कि रामानंद जी की नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी को पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे। कबीर जी
से नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें एक सोने की मोहर, दो दोहार, तीन दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास 18 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बांजरा नाम का व्यापारी 9 लाख बैलों पर लादकर भंडारे का सामान लेकर आया और अपनी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बंटी, जिसमें हर खाने के साथ एक सोने की मोहर और दो दोहार दी गई। कहा जाता है कि यह सब करने के लिए परमात्मा केशव बांजरा का रूप धर कर आए और यह सब लीला की इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेख तकी, जो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, वह भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि शेख तकी ने वहां भी कबीर साहब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ ही बंद हो गई और वह जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों को कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं। जय कबीरदास जी की जय। सो फ्रेंड, तो आप सभी को हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय कबीरदास। थैंक यू गाइस।